आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खास खबर, राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का उछाल हो रहा है। इसी को देखते हुए थाने शहर पुलिस नव वर्ष के अवसर पर थाने शहर में भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसलिए पुलिस शहर में मार्च करते हुए लोगों से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने व जागरूक रहने की अपील की है। आगे देखिए पूरी खबर। पुलिस ने जनता को आह्वान किया है कि कोरोना ये महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, तो हर एक ने दक्षता लेना चाहिए, हर एक ने मास्क यूज करना चाहिए, सोशल गैदरिंग नहीं करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इस बाबत जनता को हम अवगत कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक जगह पे 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं आ सकते, इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया है पब्लिक को। और अगर ऐसा कोई दिखाई दिए गैदरिंग करके कोई जल्लोष करते हुए नज़र में आए, तो उनके ऊपर कड़क कानूनन कार्रवाई करने की भी तजवीज़ रखी है। हमने वैसे जनता को आह्वान किया है। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, मार्केट प्लेस है, यहाँ पे भी हमने व्यापारियों को इन्फॉर्म किया है कि विदाउट मास्क किसी को माल बेचो मत, शॉप में आने मत दो, मास्क कंपलसरी है। विदाउट मास्क की भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जनता को हमने वैसे आह्वान किया है कि पब्लिक को कि कोरोना बढ़ रहा है, तो आप खुद हर एक आदमी संभाल के काम करे, गैदरिंग नहीं करे करके हमने आह्वान किया है। बाजारपेठ मध्ये खरेदी करण्यात आलेले नागरिकांना आपण ठाणे नगर पोलीस स्टेशनच्या वतीने विशेष आवाहन आहे। बाजारपेठ मध्ये फिरताना आपला माल तोंडावर व्यवस्थित ठेवा। कोरोनाची साथी तुम्ही नाही रुग्णसंख्या वाढत आहे, तर सर्वांनी आपली स्वतःची काळजी घ्यावा, मास्क व्यवस्थित वापरावा। पालन करावं, मास्क व्यवस्थित वापरावं आणि 144 कलम लागू झालेले तर सार्वजनिक प्रत्येक नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना ठाणे नगर पोलीस स्टेशनच्या वतीने विशेष आवाहन आहे। आपण मार्केटमध्ये फिरताना आपला मास्क तोंडावर व्यवस्थित ठेवावा।